हेलो फ्रेंड्स, सावन का मौसम आ गया है और सभी हलवाइयों की दुकानें जो है वो घेवर से सज चुकी है। तो चलिए, क्यों ना आज हम भी घर पर बनाते हैं घेवर की रेसिपी, और वो भी बिना किसी मशीन के, बिना किसी सांचे के, और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। घेवर बनाने के लिए मैं एक बाउल में सबसे पहले 1/4 कप घी लूंगी। ये मैंने यहाँ पास 30 ग्राम घी लिया है, और यहाँ पास हम घी को सबसे पहले हार्ड बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पास आइस क्यूब का यूज करूंगी, और यहाँ पास आइस क्यूब डालते हुए मैं इसे आइस क्यूब के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी, जिससे जो है हमारा घी वो हार्ड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कितना घी क्वांटिटी में डबल हो चुका है और घी पूरा फ्लफी हो गया है। हमें इसी स्टेज तक घी को लाना है, और इसके बाद जो बाकी बचा हुआ आइस क्यूब है मैं उसे निकाल लूंगी। और अब मैं बैटर में ऐड करूंगी 1 कटोरी मैदा। ये मैदा यहाँ पास मैंने 125 ग्राम यूज किया है, और मैं इसमें बिल्कुल चील्ड दूध डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसका एक स्मूथ बैटर रेडी करूंगी। और यहाँ पास पूरा बैटर बनाने में मैंने 1 कटोरी चील्ड दूध का यूज किया है, और इसके साथ मैं यहाँ पास डालूंगी 1 चम्मच बेसन। इससे हमारा टेक्सचर जो है घेवर का वो बहुत ही अच्छा मार्केट के जैसा आता है। और अब मैं यहाँ पास बिल्कुल चील्ड वाटर डालते हुए इसका एक स्मूथ बैटर रेडी करूंगी। और ये देखिए, यहाँ पास हमारा बैटर रेडी हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है, जिससे कि ये स्पैचुला पे जस्ट इसकी एक पतली सी कोटिंग आनी चाहिए। बिल्कुल आप इसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं। इसको बनाने में मुझे यहाँ पास 1.25 कप पानी लगा है, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई इलायची, और इसमें मैं 1/2 नींबू का रस ऐड करूँगी। ये बिल्कुल सीक्रेट है। और अब मैं यहाँ पास बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए आइस कोल्ड वाटर में रखूंगी। और जब तक हमारा बैटर यहाँ पास रेस्ट कर रहा है, मैं शुगर सिरम रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैं एक पैन में डालूंगी सबसे पहले 1 कटोरी शुगर, और यहाँ पास मैं ऐड करूंगी 1/2 कटोरी पानी, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक तार की चाशनी रेडी कर लूंगी। तब तक मैं एक दूसरे बर्तन में, मैंने यहाँ पास दूध चढ़ाकर रखा है रबड़ी बनाने के लिए, और यहाँ पास हमारा चाशनी भी ऑलमोस्ट डन है। तो मैं अब गैस के फ्लेम को बंद करके चाशनी को ठंडा कर लूंगी। घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पास भारी तली का सॉस पैन यूज किया है। आप यहाँ पास कोई भी भगोना घर का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि ये बहुत ही आसानी से बन जाता। घेवर बनाने के लिए आप यहाँ पास घी या रिफाइंड यूज कर सकते हैं। और यहाँ पास हमें फुल फ्लेम पर बैटर को इस तरीके से इसमें डालना है ऊपर से, और एक बार रेस्ट होने के बाद मैं इसमें फिर दोबारा कलछी से ऐड करूंगी। इस तरीके से हमें 3 से 4 बार डालने के बाद ही दोबारा से बीच में स्पैचुला डालकर बीच में होल कर लेना है। और यहाँ पास 4 बार डाल लिया है। अब मैं एक स्पैचुला की हेल्प से इसके बीच में होल बना लूंगी, ताकि यहाँ पास सभी में हिट आसानी से पहुंच सके। और फिर मैं इसी बीच में फिर से डालूंगी बैटर को, और फिर से अगेन मैं इसमें होल बना लूंगी। और इस तरीके से मैं यहाँ पास 7 से 8 कलछी डालूंगी। और इस तरह से देखिए, ये अपने आप ही साइड्स छोड़ देगा। और इस तरीके से इसे तेल में डीप करते हुए पूरा गोल्डन ब्राउन सेक लेना है। एक घेवर बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। ये हमें फुल फ्लेम पे बनाना होता है, और ये देखिए कितना अच्छा बिना सांचे का हमारा जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है।
और अब मैं इसे एक जाली पर निकाल लूंगी जिससे कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल सके। हमें दूसरा घेवर बनाने से पहले तेल को अच्छे से साफ कर लेना है। और यहाँ पास मैं आपको एक और घेवर बनाकर दिखा रही हूँ। जैसे ही एक जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, मैं इस पे दूसरा ऐड करूंगी। और इस तरह से कम 7 से 8 कलछी मैं डालूंगी। यहाँ पर सावधानी से करें, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। और इसे बीच में होल बना लें। और मैं फिर से दोबारा डालूंगी और मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से निकाल लूंगी। देखिए इसमें कितना अच्छा जाली पड़ा है बिना किसी सांचे का। ये मेरा उतना बैटर से यहाँ पास 4 बनकर रेडी हुआ है, जिसमें से एक टूट गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना है। आपको एक प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पास मैं रखूंगी घेवर को और ऊपर से शुगर सीरम डालेंगे क्योंकि यहाँ पास घेवर बिल्कुल भी मीठी नहीं रहती है, तो ऊपर से हमें शुगर सीरम ऐड करना होता है। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी यहाँ पास रबड़ी। हमें रबड़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रखनी है ताकि ये जो जाली जैसा है उससे बिल्कुल नीचे पार ना हो। और इस तरह से मैं इस पे रबड़ी जो है वो डाल लूंगी। इस वीडियो में मैंने रबड़ी बनाना नहीं बताया है, वो मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी जैसे कि रसमलाई में मैंने बनाया था। बस कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और रसमलाई का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पास मैं इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निशिंग कर लूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा घेवर तैयार है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और इसे मैंने बिल्कुल बिना किसी सांचे का बनाया है घर पर। तो आप भी फ्रेंड्स इसे घर पर बनाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।